मैं छोटा सा आपके सामने मनी लकड़ा आज धर्मशास्त्र में थोड़ा छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। इस वचन में आप लोग को जरूर आपको समझ आए, क्योंकि हमारे जिंदगी का जीवन का रास्ता है जो हम लोग नहीं जानते, कि हम लोग जितना संसार में सुनते हैं उतने से शब्द चलते हैं, लेकिन हमारे पूरे जीवन का रास्ता धर्मशास्त्र में है। क्योंकि धर्मशास्त्र वो है जिस पिता ईश्वर ने संसार को रचाया, बनाया, आज इंसान को बनाया इस दुनिया में एक जीने खाने के लिए, लेकिन हम पूरे जीवन के बारे में नहीं जान पाते, इसलिए हम क्रोध में रहते हैं। आज हम एक दूसरे को हम प्रेम भाव से घट रहे हैं, इंसान से हट रहे हैं, इंसान से दूर हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे मन विचार, हमारे प्रेम भाव घट रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या हम लोग से घमंड से बढ़कर, प्यार से बढ़कर घमंड काम करता है? क्या हमारे लिए प्रेम काम करता है? आज ये सभी इंसान इन चीजों को जांचे। सच्चे इंसान का सोच का कभी अंत नहीं होता, और घमंड शैतान का रास्ता, उसको खत्म होना ही होता है। तो आज हम सभी को, हमें ये चीज को, हमें मरण चिंतन करना होगा कि आज जितने भी संसार में इतना क्रोध कर बैठा हो रहा है, क्योंकि हम ही लोग के अंदर, इंसान के अंदर, हम एक दूसरे को बिल्कुल हम ऐसे मान रहे हैं जैसे कि हमारा कोई काम ही नहीं है, जबकि हम इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं। जिस इंसान को आज हम दुश्मनी से एक सेकंड नहीं लगाते मारने में, क्या वो कल मेरे लिए काम नहीं देता? हम एक दूसरे की सहायता बनते हैं। भगवान ने हमें कभी भी अपने एक दूसरे को प्रेम से रहना सिखाया, लेकिन हम एक दूसरे को झगड़ा हम कर रहे हैं एक दूसरे से। हम ना तो हम प्रेम से बात करते हैं, हम छोटे छोटे लेकुल अपने इंसानों के साथ हम दुश्मनी मोड़ रहे हैं। किस लिए? आखिर कल आंधी तूफान आएगा, क्या पता जिससे हमने दुश्मनी मोड़ी, जिससे हमने झगड़ा किया, कल उसी तूफान में वही काम इंसान आए। तूफान में पैसा काम नहीं देता। हमें सच्चा भक्ति, ईश्वर का वचन काम देता है, जो अपने बच्चों के लिए लिखा है। इसको बाइबल का कोई लिखा एक, इसको अक्षर मत समझो। ये पूरे संसार का अंत तक का हमारे वचन हम लोग के लिए लिख के दिया है, ताकि अपने बच्चे, मेरे बच्चे इस संसार में, मैं उनको बनाया हूँ, उनको भेजा हूँ जीने खाने के लिए, फूलों फलों, तो वो ताकि बच्चे संभाल के जिए, इन चीजों को ज्ञान लेके जिए, क्योंकि ये उन्हीं का जीवन का रास्ता है हम लोग के लिए, जो हम इन चीजों को जानना नहीं चाहते और इन चीजों को बोले तो हम बिल्कुल दूर होते हैं, जिसे हमें बहुत कड़वा लगता है। ये बस सच है, लेकिन आज ये वक्त आ गया है, ये समय हमें ये चिन्ह बताता है, ये वचन हमें बता रही है, इसको पहचानो और इसे पढ़ो, उसे जीवित रहोगे। आज इतना बड़ा कोरोना में इतना बड़ा अहंकार आया, क्या हमें पैसा काम दिया? नहीं, भक्ति काम देगा, हमारे अच्छे विचार काम देंगे। हमें भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि इंसान से प्रेम से रहो, एक दूसरे को क्षमा करके चलो, यही हमारा जीवित है। तो मैं थोड़ा आपसे एक वचन, इस बाइबल की वचन से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने अपने विश्वास से मैंने इस चीज को पाया। कहते हैं पिता ने इस बाइबल में भी लिख दिया है कि सिर्फ मुझे पढ़े लिखे ही नहीं ढूंढ पाएंगे, जिस इंसान जो सिर्फ एक अंगूठा छाप ही हो, अगर वो उसके सच्चे मन है, सच्चे विचार है, तो मुझे वो पढ़ पाएगा। मेरे बहन, मेरे भाई बहन, ये बात सच्चाई है। ये कोरोना समय का है, इस पर कोरोना समय का, इसमें ईश्वर क्या कहते हैं, इस वचन को और से ध्यान देना। विपत्तियों को परंपरा, संत मत्ती अध्याय 24 वचन नंबर 4, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं भकाए,
क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीहा हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और युद्ध के बारे में अफवाह सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरोध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरोध राज्य जहां तहां अकाल महामारियां भूकंप होते रहेंगी। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। यहाँ पे कहते हैं कि अफवाह सुनोगे, तुम नहीं घबराओगे। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं घबराओगे, सावधान रहना, तुम्हें कोई नहीं। और हम किसके बहका में आते हैं? इंसान के बातों पर। सच्चाई का धर्म उठाओ, सच्चाई का जीवन का रास्ता उठाओ। हम इंसान की बात सुनते हैं क्योंकि जितना जानता है, क्या उसमें सच्चाई है? हाँ, कहीं सुना हो तो वही आपको बताएगा, लेकिन पूरी जड़ तक जानने के लिए इसको पढ़ो और सबको बचाओ। हमारा सच्चाई ही विचार हमारा दवाई है। इस बीमारी से बचे रहो, इस बीमारी से डर रहे, लेकिन ये बीमारी क्या है? सच्चे मन से ईश्वर को पुकारो तो तुम्हारे इसका अर्थ भी मिल जाएगा, तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इस वचन में क्या कह रहे हैं? अफवाह फैलाएंगे, तुम नहीं घबराना, सावधान रहना, तुम्हें कोई ना भकाए। क्या कह रहे हैं इसमें? यही तो हो रहा है, जो लोग भका दिए और इंसान उसे बहकाव में डर के जी रहे। आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हमें बनाया कौन है, हमारे माँ बाप को किसने बनाया, उनके माँ बाप को किसने भेजा। पीढ़ियों की बातें याद करो, रास्ता हमारे सामने है, क्योंकि आज हम सच्चाई के रास्ता को नहीं ढूंढ रहे, इसलिए हम खो गए। हे मेरे भाई बहन, माता पिता, जिस तरह अपने बच्चों को अपने जीवन के बारे बताते हैं, सच्चाई के बारे में, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, तो आज ये धर्मशास्त्र हमारा पिता है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन में सच्चाई का वचन पढ़कर इस रास्ता को जान कर जीवन बिताए, ताकि कभी हमेशा अच्छाई और बुराई को जानकर जीवन बिताए। मैं इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। छोटा सा वीडियो बनाई, तो इसको आप लोग दिल तक पहुँचे, और मैं आपको पहले भी बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं यही है कि मैंने विश्वास किया, और मैं बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गई थी, और मैं इस विश्वास से इस वचन को पढ़ पाई, ताकि मैं हमेशा ईश्वर को पुकारती थी कि आपका ये जो बाइबल है उसमें क्या है, और मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ इस वचन में, इस किताब में क्या लिखा है, इस बाइबल में क्या है। ये कहकर मैं हमेशा उसको पुकारती थी, प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे उन्होंने विश्वास मुझे दिलाया कि इसमें पढ़ोगे मैं उसी में मुझे देख पाऊंगी, क्योंकि उसी का वो लिखा हुआ है अपने बच्चों के घर। जैसे इंसान पहले हर इंसान एक लेटर लिखता है अपने दिल के दर्द, उसी तरह अपने बच्चों के लिए, जिस तरह इंसान एक लेटर लिखता था, चिट्ठी लिखते थे पहले जमाने में, अपने सारे दुख दान का, अपना दिल की बातें, वैसे ही ईश्वर ने अपने बच्चों के खाते, उनके जीवन को अच्छे बुराई का खातिर उन्होंने ये बाइबल में उन्होंने लिख के दिया संसार में, ताकि मेरे हर समय का चिन्ह को समझ सके, पहचान कर चिन्ह, तभी वो सावधान रहेंगे, हम इस चीज को बिल्कुल अनजान रहते हैं। मैं इतना ही कहकर आप लोग से विदा लेते हूँ। अगर मेरी बात कोई चीज बुरा लगी हो, कहीं पे मिस्टेक भी हो गई हो, उस चीज के लिए मैं सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ।